हाँ जी, सेकंड कंपाउंड सर, 6-chloro-4-ethyl-hexane-3-ol. 3, 4, 5, 6. 6-chloro-4-ethyl. क्या किया बोला आपने? सर, हेक्सेन थ्री ओन. हेक्सेन थ्री ओन, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट कंपाउंड सर, ब्यूटोइनल. ब्यूटोइनल, वेरी राइट. ब्यूटोइनल, एल्डिहाइड को पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती बिकॉज इट इज ऑलवेज फर्स्ट. नेक्स्ट कंपाउंड सर, पेन-10-2-4-डायोन. राइट, वी हैव पेंटेन. पेंटेन बोला था, मैं पेंट बोला था खाली. सर, पेंटेन. ओके, पेंटेन 2,4-डायोन. 5 कार्बन का कीटोन है पर डाई कीटोन है. नेक्स्ट सर, 3-3-5-trimethylhexane-2-ol. वी हैव 3,3-5-trimethylhexane-3-ol. राइट, नेक्स्ट सर, 2-ol नहीं होना चाहिए. हाँ, 2-ol. नेक्स्ट 3-3-dimethylbutanoic acid. 3,3-dimethylbutanoic acid, वेरी ट्रू. 3,3-dimethylbutanoic acid. नेक्स्ट benzene-1,4-dicarboldehyde. आपने एल्डिहाइड को डाइकार्बोल्डिहाइड क्यों बनाया? अल क्यों नहीं लिखा डायल? सर, क्योंकि वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो स्पेशल प्रीफिक्स यूज करेंगे. फाइन, जब CHO या कोई भी चेन टर्मिनेटिंग डायरेक्टली अटैच होता है तो उसके रेगुलर सफिक्स यूज नहीं होते, स्पेशल सफिक्सेस यूज होते हैं. नेक्स्ट अच्छा एक मिनट है जा, तो 7, अच्छा तो खत्म ही हो गए. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी IUPAC नॉमेनक्लेचर पर है, पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी के कॉमन नेम बन सकते हो तो वो बताने हैं. रिया, क्वेश्चन नंबर 4 आप बताइए. यस सर. सर, फर्स्ट वाला है हेप्टेन 2-ol. हेप्टेन 2-ol, इसको हम लिख सकते हैं मिथाइल एन पेंटाइल कीटोन. आपके पास जब कीटोन्स के कॉमन नेम लिखते हैं तो दोनों साइड वाले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो कॉमन नेम में हम लिखेंगे मिथाइल एन पेंटाइल कीटोन. नेक्स्ट कंपाउंड बेटा. सर, इसका अगर 4-bromo. 4-bromo. 2-methylhexanal. वेरी ट्रू, इट इज 4-bromo-2-methylhexanal और इसका कॉमन नेम हो जाएगा अल्फा बीटा गामा. सो इट इज गामा ब्रोमो अल्फा मिथाइल हेक्सेनल. हेक्सेनल नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कैप्रोइक एसिड कहते हैं, तो इसको कैप्रो एल्डिहाइड कहेंगे. आपने 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ लिखा था? नायलॉन 6 में. सो हेयर यू कॉल इट कैप्रो एल्डिहाइड, राइट? हाँ जी रिया, नेक्स्ट. सर, इसका है हेप्टेनल. इसका हेप्टेनल है, इसका कोई कॉमन नेम ऐसा नहीं है जो सिग्निफिकेंट हो. नेक्स्ट. सर, इसका है 3-phenyl. 3-phenyl. Prop 2-ene-1-al. इसका कॉमन नेम बहुत बार यूज कर चुके हैं, क्या कहलाता है? सिनामल्डिहाइड, है ना? बेंजीन लगा होता है तो सिनामिक एसिड और सिनामल्डिहाइड, वैसे एक्रोलिन डेरिवेटिव है. नेक्स्ट का बेटा. सर, इसका है साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड. साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड. और लास्ट वाले बेटे.
सर डाइफिनाइल मीथेन वानोन डाइमिथाइल सर डाइफिनाइल डाइफिनाइल मीथेनोन इसका कॉमन नेम हमने ऑर्गेनिक में कई बार लिखा है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे बेंजोफिनोन राइट बेटा क्वेश्चन नंबर टू स्ट्रक्चर बेस है कोई ऐसा जिसका स्ट्रक्चर आपको बनाना ना आयो क्वेश्चन नंबर थ्री सर सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट पैरा नाइट्रो प्रोपायफिनोन नाइट्रो प्रोपियोफिनोन प्रोपियो का मतलब है तीन कार्बन का कीटोन तो तीन कार्बन का कीटोन कीटोन मिलाकर आएगा तो ये आपके पास कंपाउंड हो जाएगा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा राइट तो पैरा नाइट्रो प्रोपियो फिनोन हर्षिता बताइए सर सेवेंथ पार्ट एक बार मुझे कंफर्म करना है कैसे बनेगा कोई बात नहीं सेवेंथ पार्ट कर लेते हैं सेवेंथ पार्ट है पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन बेंजोफिनोन तो क्लियर है कि आपके पास दो तरफ बेंजीन आनी है ये जो पैरा पैरा डैश है ऐसा नॉमनक्लेचर हमने बाई साइक्लो के लिए डाई साइक्लो के लिए किया था कि पहली रिंग पर खाली नंबर लिखना है दूसरी रिंग पर डैश लिखना है तो पैरा का मतलब हो गया 1 2 3 4 तो यहां पर हाइड्रोक्सी लगा दिया इसको लिखेंगे 1-2-3-4- और एक हाइड्रोक्सी यहां लगा देंगे हाँ जी और कोई रह गया थर्ड का नहीं है नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में पूछा है व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स गिव एन एग्जांपल पहला है साइनोहाइड्रिन साइनोहाइड्रिन का मतलब होता है अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड इट इज फॉर्मड बाय द कंडेंसेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विद अ बफर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड विद साइनिक एसिड ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और फाइनल प्रोडक्ट को साइनोहाइड्रिन कहा जाता है सेकेंड कंपाउंड है एसिटल एसिटल इज द नेम गिवन टू डाइथर्स एसिटल इज द नेम गिवन टू डाइथर्स जहां पर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप दो मोल एल्कोहल के साथ कंबाइन करता है तो आपके पास डाइथर बन जाते हैं ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन है और यहां पर डाइथर की फॉर्मेशन होती है थर्ड है आपके पास सेमी कार्बोजोन तो सेमी कार्बाजोन क्या चीज है सेमी कार्बाजाइड का एडिशन प्रोडक्ट यहां पर मेरे पास कीटोन एल्डिहाइड दोनों हो सकते हैं सेमी कार्बाजाइड का नाइट्रोजन कंडेंसेशन शो करेगा और सेमी कार्बाजोन की फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट है आपके पास एल्डोल एल्डोल इज द नेम गिवन टू बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स They are found between those aldehydes and ketones which have alpha hydrogen. When they are treated in alkaline condition, bimolecular addition takes place. Next compound है आपके पास hemiacetal. Hemiacetal का मतलब है एक ही molecule add होगा, condensation नहीं होगी, alpha hydroxy ethers बनने हैं. या अल्फा एल्कोक्सी एल्कोहल्स बनने हैं OH और OR सेम कार्बन पर होना कंपलसरी है अगर आप किसी चीज को हेमी एसिटल बोनना चाहते हो नेक्स्ट कंपाउंड है ऑक्साइम्स ऑक्साइम्स हैव सी डबल बॉन्ड NOH यहां कंडेंसेशन रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिल अमीन और किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के बीच में और जो प्रोडक्ट बनता है उसे ऑक्साइम कहा जाता है ऑक्साइम इज सी डबल बॉन्ड NOH राइट उसके बाद आपके पास है कीटल्स कीटल्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्मड
बिटवीन कीटोन्स एंड पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स। आपके पास डाई ट्राई टेट्राहाइड्रिक होने चाहिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ कीटोन्स रिएक्ट नहीं करते। सो कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एंड कीटल इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है आपके पास इमीन्स। इमीन्स आर द कंपाउंड्स मेनली फॉर्म्ड बिटवीन अमोनिया एंड कार्बोनाइल और अमोनिया और प्राइमरी अमीन। यहां पर भी कंडेंसेशन होती है, दो वाटर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसे ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सभी एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस स्पेसिफिकली प्राइमरी अमीन का है। इमीन्स प्राइमरी अमीन के भी हैं और अमोनिया के भी हैं। शिफ्ट बेस इज स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी अमीन। व्हेन प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देन दे गिव इमीन्स व्हिच आर नोन एज शिफ्ट बेस। हाँ जी, एनी टर्म हैविंग एनी कंफ्यूजन? सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1-4। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू 5। 5 में क्या किया गया, हमसे कहा गया ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, स्पेसिफिक कंपाउंड का स्पेसिफिक डेरिवेटिव। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें एज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ टर्मिनोलॉजी पे काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको रटाने की कोशिश हो रही है, आपसे सीखा जा रहा है कि आपको पता है सेमी कार्बाजोन क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है, एल्डोल क्या होता है। इसका मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे चाहे बोर्ड में आए चाहे एंट्रेंस में आए, कहीं ना कहीं टर्म्स का इंपॉर्टेंस है, तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का नहीं है। आप देखें तो जो अल्कोहल फिनोल चैप्टर है उसमें अलग तरह के क्वेश्चन है, हैलोजन में अलग तरह के हैं। हैलोजन पहला चैप्टर था, वहां पे रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा थे। अल्कोहल फिनोल ईथर में जो है वो आपके इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन ज्यादा है या नॉमनक्लेचर के क्वेश्चन ज्यादा है। कीटोन्स में बार बार टर्म्स पे फोकस है, एल्डोल क्या है, साइनोएड्रिन क्या है, इमीन्स क्या है, ताकि ये टर्म्स आपको याद हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहे हैं आपको बनाना है बेंज एल्डिहाइड का 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो बेंज एल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO। तो बेंजीन के ऊपर CHO, यहां से ये ग्रुप आएगा और दूसरा ग्रुप जो है वो आपके पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से आएगा। नेक्स्ट बोला है साइक्लोप्रोपेनोन का ऑक्साइम। तो साइक्लोप्रोपेनोन का ऑक्साइम, ऑक्साइम में हमने आपको कहा कि ऑक्साइम में NOH ग्रुप होता है जो डबल बॉन्ड के जरिए कार्बन से जुड़ा होता है। तो साइक्लोपेंटेनोन का ऑक्साइम बोला है, साइक्लोप्रोपेनोन का ऑक्साइम बोला है। तो ये साइक्लोप्रोपेनोन हो गया, इसके साथ कंडेंसेशन हुई हाइड्रोक्सिलमीन की, कंडेंसेशन से वाटर रिलीज हो गया और फाइनली आपको ये कंपाउंड मिल गया। नेक्स्ट लिखा है एसिटैल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। यहां पर फोकस क्या है, एसिटल तो हमें पता है लेकिन हमें डाइमिथाइल एसिटल बनाना है। इसका मतलब एक स्टूडेंट को समझना चाहिए कि एग्जामिनर हो सकता है हमें दे दे मिथाइल इथाइल एसिटल, हो सकता है डाइथाइल एसिटल। तो एसिटल वर्ड मीन्स डाईथर, एसिटल वर्ड मीन्स डाईथर, टू ईथर्स अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन। अब वो अगर इथाइल मिथाइल होगा तो एक पर इथाइल एक पे मिथाइल लिखूंगा, डाईथाइल होगा तो दोनों पे इथाइल लिखूंगा, डाई मिथाइल है तो दोनों पर मिथाइल आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, दिस इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास इथाइलीन कीटल। इथाइलीन कीटल कंफ्यूज करता है, इथाइलीन वर्ड में कई बार बच्चे स्ट्रक हो जाते हैं। कीटल्स कहा है तो आपके पास कीटोन ही होंगे, ये कीटोन हो गया, इसका रिएक्शन करवाना है इथाइलीन ग्लाइकोल से। जब इथाइलीन ग्लाइकोल से रिएक्ट कर रहा है तो जो ये ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, इथाइलीन। कीटल के लिए तो ये ऑक्सीजन आ गया, राइट।
सो इथाइलीन मतलब दो कार्बन CH2 CH2 आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हें इथाइलीन कहा जाता है, राइट। तो इथाइलीन कीटल मींस CH2 CH2। उसके बाद का मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपके पास वन मोल लेना है हेमी एसिटल के लिए और ये कंपाउंड बना दिया। हाँ जी क्लियर है, दिस इज द वे वी हैव टू वर्क अपॉन। अब हमारे पास जो अगले क्वेश्चन है उसके जवाब आप लोगों ने देने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। हाँ जी हर्षिता बताइए। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट कर रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सर यहाँ पे एक टोन बन जाएगा, मैं प्रोडक्ट कैसे बताऊं? कीटोन नहीं बनेगा बेटा, एल्डिहाइड अल्कोहल बनेगा, और एक साइड पर साइक्लोहेक्सेन होगा और दूसरी साइड पर बेंजीन होगी। राइट, एक साइड पर साइक्लोहेक्सेन होगा और दूसरी साइड पर बेंजीन होगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। आपको प्रोडक्ट इसी तरह बताना है कि ये रिएक्शन क्या है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, बाकी तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, राइट। हाँ जी सेकंड में टॉलरेंस रिएजेंट क्या चीज होती है, क्या रोल होता है उसका? सर टॉलरेंस रिएजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है अल्कलाइन मीडियम में, तो वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या कार्बोक्सिलेट बनेगा? कार्बोक्सिलेट बनेगा क्योंकि उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अल्कलाइन में। फाइन, इसके साथ कोई एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसका इंपॉर्टेंट रोल है? मिरर सिल्वर बनता है। फाइन, सिल्वर प्रेसिपिटेट, तो सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट मींस एन एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट एंड सिल्वर इज रिड्यूस्ड एज अ सिल्वर मिरर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा? सर यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर रिलीज हो जाएगा। कंडेंसेशन कहेंगे बेटा, डिहाइड्रेशन होती है जब एक ही मॉलिक्यूल से रिलीज होता है। कंडेंसेशन होती है जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक स्मॉलर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं, जैसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। हमने पढ़ा सेमी कार्बोजाइड रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन इन ऑर्डर टू गिव कंडेंसेशन प्रोडक्ट and this product is known as semi-carbazone, right? जो बच्चे मोबाइल से यूज कर रहे हैं क्लास वो तो एनोटेट कर सकते हैं, लैपटॉप पे तो टच फीचर होना चाहिए, ज्यादातर घरों में होता नहीं है क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं होती है, why we will use laptop or desktop with touch, right? Otherwise आप कोई भी एनोटेट करके समझा सकते हैं कहाँ पर रिएक्शन होना है क्या होना है। इस क्लास का फायदा ही तब है जब आप सामने स्ट्रक्चर को एनोटेट करें और बताएं सर ये टारगेट है यहाँ पर रिएक्शन होना है, राइट। हाँ जी नेक्स्ट में क्या होना बेटे? सर इसमें एसिटल बन जाएगा क्योंकि 2 मोल्स के साथ रिएक्शन है इसलिए। फाइन, एसिटल बन जाएगा, आपके पास दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और हमारे पास डाईथर एसिटल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट में बेटे? सर ये क्लेमेंसेंस रिडक्शन है तो वो एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। राइट, एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू गिव एल्केन्स, सो आपके पास CHO इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू मीथेन, राइट। सो फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड वी गेट एल्डिहाइड अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स। Second is mild oxidizing agent known as Tollens reagent. It converts aldehyde to carboxylic acid. In alkaline conditions, we do not get carboxylic acid, we get salt. And silver is reduced to give silver mirror. Third reaction is nucleophilic addition followed by condensation, followed by removal of water. And cyclo
and semi-carbazone is formed. Next reaction is diether formation, where two ethyl groups combine in order to form diester. Next is zinc-mercury amalgam, and we get Clemmensen reduction. CHO group is completely reduced to alkanes. Next question is our pass. Which of the following compound would undergo aldol condensation? Which can is arrow and which shows neither of them? और उसके बाद आपको expected products बनाने हैं, कहां पर क्या हो सकता है? हाँ जी अनन्या, निवेश आप में से कोई बताएगा? अनन्या पंडित बताएंगे, बताइए अनन्या। Yes sir. First compound क्या करेगा? Sir first compound जो है methanol, वो Cannizzaro condensation देगा। Cannizzaro reaction देगा। कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, ये इकट्ठे नहीं होते, तो Cannizzaro रिएक्शन को हम कंडेंसेशन नहीं कहते बेटा, है ना? ओके सर। हाँ जी, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा? सर इसमें सर प्रोडक्ट हमारे पास एक तो मेथनॉल बनेगा, राइट, और सर एक बनना चाहिए सॉल्ट, फॉर्मिक एसिड सॉल्ट, है ना, फॉर्मेट आयन बन जाएगा। सेकंड कंपाउंड क्या करेगा बेटा? सर सेकंड कंपाउंड 2-methylpentanol, सर सेकंड कंपाउंड, सर सेकंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्योंकि सर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट, अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होगी, और एल्डोल कंडेंसेशन के रिजल्ट दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट कंपाउंड सर ये भी Cannizzaro रिएक्शन देगा, क्यों सर? क्योंकि Cannizzaro में जीरो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इसमें ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं लग रहे? नो सर, अल्फा वो एडजॉइनिंग उसमें होते हैं। वेरी गुड, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अल्फा पोजीशन पे होने चाहिए, ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। नेक्स्ट बेटा सर, नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेनॉन। सर इसमें क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है इसमें सर? इन पोजीशंस पे होते ही नहीं, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, नीदर इट इज एन एल्डिहाइड, सो इट विल नॉट गिव एल्डोल और Cannizzaro, सो नीदर एल्डोल नॉर Cannizzaro। समझ आई बेटा बात? यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेनॉन। सर साइक्लोहेक्सेनॉन में अल्फा हाइड्रोजन है तो सर ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाएगा और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट में 1-phenylpropanone सर, ये भी सर एल्डोल कंडेंसेशन देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। फाइन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन देगा, हो सकता है यहाँ से जो अल्फा पोजीशन है हमने यहाँ से रिएक्शन करवाया, इसके पास OH, यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ गया। नेक्स्ट कंपाउंड सर, नेक्स्ट है 7th फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। सर ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये आपस में कंबाइन करेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा और हमारे पास
बीटा एल्डोल बन जाएगा। नेक्स्ट सर ब्यूटेनल है सर, इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सर इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन वगैरह कोई डबल बॉन्ड इन रिएक्शंस में से कुछ भी नहीं होगा। यस सर, तो नीदर एल्डोल नॉर कैनिजर। नेक्स्ट में सर, इसमें क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो सर इसमें कैनिजरो ही होगा, कैनिजरो रिएक्शन होगा। यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास बेसिकली फोकस कहाँ है, फिर वापस आ रहा हूं, टर्म्स याद करवाने पर, स्ट्रक्चर एक्सप्लोर कराने पर, कि स्ट्रक्चर में आपको पोजीशन देखनी, आज अल्फा है नहीं है, अल्फा बीटा है नहीं है, आपके पास मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेंगे और कैसे नहीं जुड़ेंगे। आपके पास जो कंपाउंड है टू फिनाइल डाई फिनाइल कीटोन, ये दोनों ही रिएक्शन नहीं दे सकता क्योंकि कैनिजरो कीटोन का फीचर ही नहीं है और एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब एल्कोहल बीच में दिया, एल्कोहल का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, दोनों देने ही नहीं है, ये क्यों दिया होगा, है ना। एक अच्छा बच्चा हंसता है, ये कोई क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, और वीक बच्चा कुछ नहीं पता होता है, उसको ये CH2OH दिख ही ना रहा हो, उसको भी CHO ही समझ रहा हो, हो सकता है स्ट्रक्चर ही गलत बना दे जल्दबाजी में, उन्होंने स्ट्रक्चर तो बना के दिया नहीं, राइट। जो वीक बच्चे होते हैं वो ओल और अल में ही फंसे रहते हैं, NCERT ने तो सारे बच्चे चेक करना है ना, कितना पढ़े हो क्या करे हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड। सो इथेनॉल को कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है, पहला कंपाउंड ब्यूटेन 1,3-diol है, दूसरा कंपाउंड ब्यूटेनल है, तीसरा कंपाउंड जो है ब्यूट-2-इनोइक एसिड है। आस्था क्या आप ट्राई करेंगी, चलिए रिया आप बताइए। यस सर, सर फर्स्ट वाले में हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास अल्कोहल आ जाएगा, फर्स्ट पे CHO आ जाएगा, फिर तो हम अगर मतलब रिडक्शन करवा दे कैटलिक रिडक्शन तो उससे हमारे पास 1,3-diol बन जाएगा। हम यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे डाइल्यूट NaOH ऐड करके, इसकी वजह से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनेगा, उस कंपाउंड की जब मैं रिडक्शन करवाऊंगा, ये मैं किसे भी करा सकता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्रेट से भी करा सकता हूँ, नहीं तो निकल से ही करवा लेते हैं, एंड वी गेट अल्कोहल। हाँ जी बेटा, बी में क्या होगा रिया? सर इसमें फिर से एल्डोल कंडेंसेशन करा देंगे और फिर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो फिर ई ना जाएगा। फाइन, यहाँ पर हम इस एल्डोल को करवा देते हैं, डाइल्यूट NaOH डाल देते हैं और उसके बाद इसको हीट कर देते हैं तो एल्डोल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे सर? थर्ड में सेकंड वाले की ऑक्सीडेशन करा देंगे। सर थर्ड के लिए सेकंड वाले की ऑक्सीडेशन करा देंगे जो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। पहले हम इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे और फिर इसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज करें सर? KMnO4 या नहीं कर सकते? KMnO4 करेंगे तो डबल बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वी कैन नॉट यूज इट, है ना। तो हमें टॉलरेंस रिएजेंट डालना पड़ेगा जो हमारे पास एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करे और एल्कीन को अफेक्ट ना करे। तो ये लिख ले बेटा रिया, कहीं पेपर में गड़बड़ ना करियो, कि अल्फा पोजीशन पे सॉरी हाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो KMnO4 से रिएक्शन नहीं हो सकता। यस। क्वेश्चन नंबर 9, write structure formulas and names of four possible aldol products obtained between propanol and butanol. In each case, indicate which aldehyde act as nucleophile and which as electrophile. यहाँ पर फोर प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं?
पहले दो कंपाउंड लिए जिसमें प्रोपेन एल्डिहाइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, इसके लिए या तो ब्यूटेन एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बनेगा या प्रोपेन ही न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगले दो लिए जिसमें हमारे पास ब्यूटेन एल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल है, अब या तो प्रोपेनल न्यूक्लियोफाइल बनेगा या ब्यूटेनल न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो यहां हमारे पास कंपाउंड हो गया CH3CH2CHOH CHCHO C2H5। हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर बनाना ही ऐसे है। मैंने यहां क्या किया है, जो एडिशनल ग्रुप थे उन्हें साइड पे लिख दिया ताकि हमें ध्यान रहे कि एक का बीटा कार्बन दूसरे कार्बोनाइल के सामने आना है। राइट, अनन्या पंडित तेरा ब्रिज तो बहुत बढ़िया है, स्मार्ट हो रहा है। देख अगर पीछे बैकग्राउंड में ब्रिज व्रिज लगा रहा हो ना तो ग्रीन कर्टेन क्रिएट करना पड़ेगा घर पे, है ना। अगर आपके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का कपड़ा है, प्लेन ग्रीन, फिर आप बैकग्राउंड जो मर्जी लगाओ, अदरवाइज क्या होगा, ये बैकग्राउंड है बीच में आप हिलोगे तो खराब होती रहेगी, मजा नहीं आएगा कि सी शोर पे बैठा है। फिर वो ऊपर साइड में मेरे मोबाइल भी लगा हुआ है ताकि कुछ ड्रॉ कर पाऊं अगर आप बोलो तो। वाओ गुड, तो आप आज एनोटेशन के मूड में हो, गुड गुड। चलो फिर आप तो ठीक है क्वेश्चन में करवा लेते हैं, अभी करवाते हैं अगले क्वेश्चन। सो हियर वी हैव CH3CHO CH3CH2CH2CHOH CH CHO and we have C2H5, right? This is the way we have to work upon. Next question है हमारे पास, 10th question. Organic compound with a molecular formula C9H10O. ये तो शायद लास्ट क्लास में करवाया था तुषार ने, है ना। तो हमारे पास C9H10O24DNP डेरिवेटिव है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है और कैनिजेरो रिएक्शन देता है। इतनी बात सुनने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक बेंजल्डिहाइड है और यहां पर एक सरप्लस ग्रुप है C2H5। ये C2H5 जो है वो या तो ऑर्थो मेटा पैरा पर लगेगा या ये दो CH3 की फॉर्म में अल्टरनेट पोजीशंस पे लगेगा। हमें नहीं पता ये कहां पर है, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर ये ऑब्जेक्टिव में मोर वन ऑप्शंस बनकर आ जाए तो हाउ यू कैन थिंक अपॉन, है ना। अब यहां पर ये एक्स कहीं भी लग सकता है। क्वेश्चन में कहा गया कि जब इस कंपाउंड की मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये कंपाउंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है जो 1-2 पोजीशन पर है। ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास ये पूरा इथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हो, राइट। अगर ये यहां ना होता, लेट से ये यहां ना होता, तो आपके पास मेटा पर होता। मेटा पर होता तो एग्जामिनर आपको क्या देता, आइसोथैलिक एसिड, तो पैरा होता है, तो आपके पास ये बन गया होता। हो सकता है एग्जामिनर आपको कहे C9H10O ये सारे फीचर्स के साथ है और इसके पास टेरिथैलिक एसिड बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन टेरिथैलिक एसिड की जगह वो ये कह दे कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड हैज एबिलिटी टू गिव टेरिलीन एज अ पॉलीमर, है ना। उसमें ब्लेंड करना ना पॉलीमर चैप्टर, तो टेरिलीन बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, टेरिथैलिक एसिड चाहिए। तो मेरे पास ये C2H5 ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। अगर ये ऑर्थो पर होगा तो 1-2 डाइकार्बोक्सिलिक, मेटा पर होगा तो 1-3 डाइकार्बोक्सिलिक, पैरा पर होगा तो 1-4 डाइकार्बोक्सिलिक। अगर 1-2 पर होगा तो पॉलीमर डेक्रॉन होगा, अगर 1-4 पे होगा तो पॉलीमर टेरिलीन होगा।
राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, सिंपल कंपाउंड है, एस्टर बनेगा और उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में ऑर्डर्स पूछे हैं। पहले में ऑर्डर है साइनिक एसिड की रिएक्टिविटी। आप में से कौन बताएगा यहां पर क्या देखना है? ऑर्डर तो मैंने लिख रखा है। तुषार तो बता ही दे रहा है, आस्था, निवेश, आदित्य गुलेरिया, आप में से कोई नहीं बताएगा? इतना मुश्किल तो नहीं है, आसान है बच्चों। ऑर्डर सामने लिखा हुआ है मैंने, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स HCN है। हाँ जी अनन्य पंडित बोलिए। गलती से रेज हो गया था। तो बता तो दे सर, फर्स्ट वाले में हो सकता है कि सर, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर्षिता बता देगी। हर्षिता बताओ। सर ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो हम रिएक्टिविटी इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करेंगे, तो एल्डिहाइड्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है, देन के टू एंड देन हिंड्रेंस भी चेक करेंगे उस बेसिस पे। वेरी गुड, साइनिक एसिड की एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सो वी हैव टू चेक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होंगे उतने ज्यादा रिएक्शन होगा। एल्डिहाइड्स में अल्काइल ग्रुप एक साइड पे जुड़ा होता है, कीटोन में अल्काइल ग्रुप दो साइड पे जुड़े होते हैं, इसलिए कीटोन्स रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाएंगे अटैक ऑफ साइनाइड आयन वीक हो जाएगा, इसलिए रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाने से डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर दो। तुषार बताओ। सर एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा करना है, तो माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, वो ब्रोमीन का होता है, और ये डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन से उतना कम होता जाएगा, तो इसलिए जो आपने ऑर्डर लिखा हुआ है। राइट, ब्रोमीन इज माइनस आई एंड मिथाइल इज प्लस आई। विद इंक्रीज इन प्लस आई एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन माइनस आई एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। व्हेन वी कंपेयर अल्फा एंड बीटा ब्रोमो डेरिवेटिव, डिस्टेंस ऑफ माइनस आई सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस, सो एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस। एंड इन केस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई, थर्ड में उसका डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्थ में उसका डिस्टेंस कम है, प्लस आई जितना नजदीक आएगा एसिडिक करेक्टर उतना डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट, सेकंड में, सेकंड ही थर्ड हो गए। हाँ जी रिया। फिर इसमें हम माइनस आर इफेक्ट ग्रुप देखेंगे, NO2 का माइनस आर इफेक्ट होता है, तो दो ग्रुप्स जहाँ होंगे उसमें एक तो माइनस आई इफेक्ट होगा और एक माइनस आर इफेक्ट होगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा फिर वन, और जिसमें कोई भी नहीं है वो थर्ड पोजीशन पे, और क्योंकि मिथॉक्सी का माइनस आई क्यों नहीं देखा मैंने यहाँ पर सर, क्योंकि उसका प्लस आर यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। फाइन, पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन पे प्लस आर देखना है, प्लस आर के कारण एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है आपके पास, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर। इसमें पहला जो पेयर है वो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन है। प्रोपेनल इज CH3CH2CHO एंड प्रोपेनोन इज CH3COCH3। हाँ जी तुषार बताओ, कैसे डिस्टिंग्विश करूं? सर इसमें आयोडोफॉर्म यूज कर सकते हैं, सेकंड वाला दे देगा, पहला नहीं देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट वी कैन से सोडियम हाइपोआयोडाइड टेस्ट, कीटो एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन दे देगा, क्योंकि गिवन कीटोन मिथाइल कीटोन है। एक और टेस्ट दे दो बेटा कोई। सर टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ले सकते हैं,
एग्जाम में आपको एक ही लिखना है ना, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड देगा कीटोन नहीं देगा। जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस टॉलेन या फेलिंग होनी चाहिए। टॉलेंस आयडोफॉर्म को थोड़ा प्रिवेंट करो किसी और कंपाउंड के लिए, नहीं तो हो सकता है एक ही टेस्ट में आपको दो बार तीन बार आयडोफॉर्म यूज करना पड़ जाए, है ना। आयडोफॉर्म वहां पर जहां और कोई रिलायबल टेस्ट नहीं मिल रहा। सो प्रोपेनल विल डिस्टिंग्विश फ्रॉम एसीटोन विद द हेल्प ऑफ आयडोफॉर्म। सेकंड है एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। निवेश को तुक्के जे मार दे यार दोस्त। आदित्य गुलेरिया जी आज आप भी बड़े शांत हैं, पता ही नहीं चल रहा आप हो। सर आयोडोफॉर्म टेस्ट से इसमें भी कौन देगा? सर COCH3 वाला दे देगा फर्स्ट। टेस्ट को दूसरा नाम क्या दे देते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड, है ना। तो ये देगा ये नहीं देगा क्योंकि एसिटोफिनोनेज मिथाइल कीटोन। यहां से एक स्टूडेंट को क्या लेकर चलना है, उसे कॉमन नेम ये आते हैं या नहीं, स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो पता चल ही जाएगा। तो दो बार तीन बार जिसको स्ट्रक्चर ना बनाने आते हो वो इस क्वेश्चन से ये चीज लेकर चले। पेपर में एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन आ गया, स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता तो डिस्टिंग्विश कैसे करूं। नेक्स्ट है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। हाँ जी रिया, इसमें FeCl3 टेस्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा था कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट कभी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मत यूज करना, क्योंकि आपने अगर गलती से लिख दिया नो रिएक्शन तो गलत हो जाएगा, है ना। कलर डिफरेंस आता है तो ज्यादा आसान वो होता है जो एक दे और एक ना दे। फेरिक क्लोराइड टेस्ट दोनों देंगे, दोनों का कलर अलग होगा, और आपने लिख दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता तो एग्जामिनर के मूड पर है। थका होगा बेचारा तो हो सकता है इग्नोर कर जाए, फ्रेश माइंड पे होगा तो बोले क्या यार कैसे लिख रही है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ज्यादा आसान काम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना। ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कभी नहीं देंगे, राइट, क्योंकि व्हाइट पीपीटी नहीं दे पाएंगे। यहां व्हाइट पीपीटी आएंगे, यहां नो पीपीटी आएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बेंजोइक एसिड देगा, फिनोल नहीं देगा। वैसे बेस्ट है बाइकार्बोनेट लिखो, सबसे आसान टेस्ट है, घर पे भी कर सकते हो। फिनोल और बेंजोइक एसिड दिया, खाने का सोडा लिया, डाल के देखा, जिसमें एफरवेसेंस आ जाए वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। हाँ जी तुषार। सर सोडियम बाइकार्बोनेट। यस, आई वाज वेटिंग फॉर इट। तो है ना, इथाइल बेंजोएट लिखा है, एस्टर्स ये टेस्ट नहीं देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल गिव एंड एस्टर विल नॉट गिव, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास पेंटेन 2-ओन एंड पेंटेन 3-ओन। पेंटेन 2-ओन एंड पेंटेन 3-ओन। हाँ जी रिया। सर आयडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। कौन देगा? प्रोपीन 2-ओन। पेंटेन 2-ओन। पेंटेन 2-ओन। पेंटेन 2-ओन ये टेस्ट देगा और दूसरा ये टेस्ट नहीं देगा। तो सोडियम हाइपोआयोडाइड ये देगा, ये नहीं देगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। हाँ जी तुषार। सर टॉलरेंसी एजेंट। गलत हो गया, बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। फेलिंग सॉल्यूशन। यस, फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। तो फेलिंग सॉल्यूशन भूल जाओ तो आयडोफॉर्म लिख लो, कौन मना कर रहा है, एसिटोफिनोन तो दे गई, है ना। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा ना। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे और कीटोन्स नहीं देंगे। नेक्स्ट है इथेनल एंड प्रोपेनल।
हाँ जी अनन्या सर, आयोडोफोन टेस्ट। वेरी गुड, कौन देगा? सर इसमें इथेनॉल देगा, प्रोपेनॉल नहीं देगा। राइट, आयोडोफोन टेस्ट इथेनॉल देगा, प्रोपेनॉल नहीं देगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन? You may use any inorganic and any organic reagent having not more than one carbon atom. Okay. So now let's work on it. First compound है benzene से methyl acetate बनाना, methyl benzoate बनाना है। बताइए कैसे बनाऊं? Who can tell me? सर पहले फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन करवाएंगे ताकि ऊपर CH3 आ जाए। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करवाएंगे। और फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करवाने से हमारे पास टोलीन बन जाएगा। क्या करूं सर? उसके बाद KMnO4 से ऑक्सीडेशन ताकि ऊपर CH आ जाए। इसके बाद ऑक्सीडेशन करवा दूंगा KMnO4 से, नाइट्रिक एसिड से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, किसी से भी करवा सकता हूं। इसके बाद सर मिथेनॉल से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में एस्टरिफिकेशन हो जाएगी और मुझे मिथाइल बेंजोएट मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने बेंजीन से मेटा नाइट्रो बनवाना है। अनन्य पूछना था या बताना है बेटा? बता देता हूँ। थैंक यू, क्लास इज फीलिंग ब्लेसिंग्स फॉर योर्स। हाँ जी बताओ क्या करूँ सर? सर ऊपर की तरह जैसे हमने COOH ऊपर निकाला था, मेथड एम्प्लॉय करके आगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो ये मेटा पे क्यों जा रहा है? पैरा पे नहीं जाना चाहिए सर? आपको क्यों लगा कि मेटा पर खुद ही चला जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा इसलिए सर, मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने बस। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, आप बिल्कुल सही थे, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए ना। एग्जामिनर कई बार इन चीजों में उलझा लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, सो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। राइट, चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहां पर पैरा लगा दिया उसने, अगर आपने ये सेम रिएक्शन यहां कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपने नाइट्रेशन दी तो पैरा पर नहीं जाएगा। हाँ जी तुषार क्या करना चाहिए? सर इसमें ऑक्सीडेशन से पहले नाइट्रेशन करवा देनी है। फाइन, यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन सेम है कि आपने AlCl3 लेना है और आपके पास टोलीन बन जाना है, लेकिन आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको नाइट्रेशन टोलीन की करवानी पड़ेगी। आपको नाइट्रेशन टोलीन की करवानी पड़ेगी क्योंकि टोलीन विल गिव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ गया तो वहां पर मेटा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पैरा की जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। राइट, तो आपको पैरा पर चाहिए तो टोलीन की नाइट्रेशन, मेटा पर चाहिए तो बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में है पैरा फिनाइल एसिटिक एसिड, नहीं फिनाइल एसिटिक एसिड ओनली। आपको बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है तो कैसे बना सकते हो? कोई और भी बता दो यार।
नहीं चलो आप भी बताओ दिशारा। सर सबसे पहले एल्काइलेशन करवाएंगे। सेम वे चले गए हम, हमने टॉलीन लगा बना दिया, ठीक है बेटा। इसके बाद सर इसमें डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, तो ब्रोमिनेशन करवा देंगे पहले। इसमें पहले हम ब्रोमिनेशन करवाएंगे या एनबीएस डाल देते हैं, बेंजाइल पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब क्या करें सर? उसके बाद केसीएन डाल के उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। पहले केसीएन डालेंगे और वहां से हमारे पास ब्रोमीन की जगह साइनाइड आ जाएगा और फिर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और उसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा। राइट, सो हम सबसे पहले यहां पर कार्बन नंबर इंक्रीज करवाएंगे। पहले हम टॉलीन बनाएंगे, फिर ब्रोमीन, फिर आपके पास साइनाइड, एंड देयर आफ्टर वी विल गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, कैसे बनाएं? हाँ जी तुषार। सर पहले टॉलीन बनाकर नाइट्रेशन करवानी है, ठीक है। फिर क्या करूं सर? उसके बाद रिटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये सारे तेने खुद सोचे या तेने कहीं से कॉपी किया? सर खुद सोचे। वेरी गुड, वेरी एक्यूरेट। पहले नाइट्रेशन करवाएंगे मिथाइल पे, तो पैरा पर प्रोडक्ट बनेगा। अब हम चाहते हैं इसका रिएक्शन, हम इटार्ड बनाना चाहते हैं, तो इटार्ड के लिए हम क्रोमाइल क्लोराइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। This is the way we have to work upon it. हमारे पास next reactions हैं, जहाँ पर हमें सोचना है कि हम कैसे क्या बनाना चाहते हैं। सारे interconversions हैं, हमें interconversion में thought देना है किसके जरिए क्या बनना है। इस interconversion में और बाकी interconversions में क्या फर्क है? यहाँ पर limit लगाई हुई है, not more than 2 steps. We cannot use more than 2 steps. हमें या तो एक स्टेप में कन्वर्ट करना है या मैक्सिमम 2 स्टेप लेने हैं। ऐसी इंटर कन्वर्जन बहुत प्रैक्टिस मांगती है, बिना उसके हम ये तैयार नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट थिंक बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। ऐसी इंटर कन्वर्जन बहुत सारे बच्चे फाइनल एग्जाम में गलत करके आते हैं, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं नॉट मोर देन 2 स्टेप लिखा है, वो डायरेक्ट रिएक्शन शुरू कर देते हैं ना। तो पहला रिएक्शन है हमारे पास प्रोपेन प्रोपेनोन टू प्रोपीन। बताइए कैसे करें? अलग अलग स्टूडेंट बताएं। अनन्या पंडित बताइए। सर इसमें हाइड्रोजन एडिशन कर देंगे। किससे करवाऊं सर? हाइड्रोजन और निकल। फाइन, निकल हाइड्रोजन करवा देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवा देते हैं, वहां से अल्कोहल बन जाएंगे। उसके बाद सर? उसके बाद हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना चाहिए। फाइन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट विल रिमूव वाटर एंड वी फाइनली गेट प्रोपीन। नेक्स्ट बेटा। सर नेक्स्ट वाले में हाँ जी बोलो सर। आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया है, कोई बात नहीं। हाँ जी और कोई? तुषार आप बोलो, आपको भी आइडिया नहीं? नो सर। ओके बेटा, इसमें सबसे कन्वीनियंट रिएक्शन सल्फोनाइल क्लोराइड थायोनाइल क्लोराइड है। थायोनाइल क्लोराइड क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड बना देता है।
एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए रोजनमन रिडक्शन चाहिए, पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट चाहिए। ये आप दो बार तीन बार जरूर लिख लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड बनाना हो तो बेस्ट रिएजेंट SOCl2 है, क्योंकि एसिड हैलाइड से आसानी से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, सब पर ये रिएक्शन लगता है। ये रिएक्शन बहुत कम पूछा जाता है तो हमें याद नहीं रहता, हम कई बार डाइबाल एच वगैरह लगाने लगते हैं, उनसे हो सकता है पर कई बार स्कूल लेवल पर वो एक्सेप्टेड नहीं होता, तो उसके लिए जरूरी है कि हम रोजनमन रिडक्शन को याद रखें। हाँ जी नेक्स्ट, ये तो इजी है, रिया बोलो। सर सबसे पहले ऑक्सीडेशन करा देंगे पीसीसी या पीडीसी से। ऐसा क्यों कर रहे हो? सर क्योंकि फिर वो एल्डिहाइड बन जाएगा तो फिर उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन इजी हो जाएगी। फाइन, प्राइमरी अल्कोहल है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी ताकि एल्डिहाइड बने, कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने। फिर उसमें डाइल्यूट NaOH डालूंगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बन जाएगा। हमसे कंपाउंड जो पूछा गया है उसका जब स्ट्रक्चर बना के देखा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल सामने आया। नेक्स्ट कंपाउंड फोर्थ में बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बनाना है। हाँ जी अनन्या बोलिए। सर पहले में, सर हम लोग पहले स्टेप में सर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर लेते हैं। राइट सर, उसके बाद में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, आपने बताया। किसने बताया? मैंने तो बताया नहीं। सर आपने बताया था नाइट्रिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये कब बताया मैंने? बिल्कुल नहीं बताया बच्चा, मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजीन पे लगा है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। ओके, नाइट्रो अगर बेंजीन पे लग जाए तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, नाइट्रिक एसिड थोड़ी ना, नाइट्रिक एसिड ने तो सिर्फ नाइट्रेशन देनी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया, मैं पूछने वाला था आप बताओ ये मेटा पे क्यों गया। क्योंकि मेटा पर इसलिए गया क्योंकि एसिटोफिनोन में कीटोन है एंड कीटोन इज मेटा डायरेक्ट, जो ये ग्रुप लगा है बेंजीन पर ये मेटा डायरेक्टिंग है। इसकी प्रेजेंस में जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पर ही जाएगा। राइट, बेंजीन पे जब बेटे रिएक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो जो बेंजीन पे लगा होता है उसकी नेचर डिसाइड करती है ना। जैसे हमने यहां पर रिएक्शन करवाया, यहां पर हमारे पास मिथाइल था, मिथाइल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, हमने यहां पर भी नाइट्रिक एसिड और H2SO4 डाला लेकिन प्रोडक्ट पैरा पर गया क्योंकि CH3 वाज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। फिर हमने जब यहां पर करवाया तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड वाज मेटा डायरेक्टिंग। राइट, तो जो रिएक्शन है सक्सेसिव वो उस ग्रुप की नेचर पे डिपेंड करता है जो आपने बेंजीन पर लगा रखा है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन, बेंजल्डिहाइड टू डाइफिनाइल कीटोन। नॉट मोर देन टू स्टेप्स। हाँ जी तुषार। सर सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवा देंगे ताकि ऊपर से OH आ जाए। करवा दीजिए, अब क्या करूँ? सर उसके बाद किया था ड्राई डिस्टिलेशन में दो मॉलिक्यूल्स से, उसकी फिर कंडेंसेशन करवा। वेरी वेरी गुड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के कंडेंसेशन करवाई और उससे डाई फिनाइल कीटोन बन गया। इस रिएक्शन में एक और ऑप्शन हो सकती है, मैंने यहां पर फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड ले लिया, तो यहां पर मेरे पास CHOH ये बन गया। अब इसकी मैंने ऑक्सीडेशन करवा दी सेलेनियम डाइऑक्साइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड से और ये बन गया। ये सेकेंड रिएक्शन कई बार एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए प्रेफर्ड वही है जो तुषार ने बोला, क्योंकि यहां एक स्टेप है हाइड्रोलिसिस आता है, तो कई बार एग्जामिनर मान लेता है तीन रिएक्शन हो गए, पहले ग्रिगनार्ड ऐड हुआ, फिर हाइड्रोलिसिस हुई, फिर एमिनोट। लेकिन अगर आप भूल जाओ तो इसको लिख दो, वन और टू लिखनी है, स्लैश डाल दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किप कर गया था, सेवंथ है, नीचे होगा कहीं, ये सेवंथ है, बताओ इसमें क्या करना है। एनी आइडिया? मैं इसमें क्रॉस एल्डोल कराऊंगा, एल्डोल विद CH3CHO हीट करूंगा, एज अ रिजल्ट ये कंपाउंड सिनैम एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं सिनैम एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाऊंगा, यहां मैं सिर्फ निकल से ही करवा सकता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सो वी यूज निकल हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड टू अल्कोहल। नेक्स्ट एट्थ रिएक्शन, हाँ जी अर्चिता कुछ पूछना है बताने? ये सर इस रिएक्शन में पूछना था, आपने शुरू में कैसे सोचा कि क्रॉस एल्डोल CH3CHO के साथ करवानी है? बिकॉज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम जब कभी भी बढ़ाने होंगे तो मैं सबसे पहले एल्डोल सोचूंगा। अगर कोई एल्डिहाइड का रिएक्शन है और मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाने हैं तो मोर कन्वीनियंट इज इधर ग्रिगनार्ड और एल्डोल। ग्रिगनार्ड लेता तो एल्डिहाइड पे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता, तो मेरे स्टेप बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने प्रेफर क्या किया, एल्डोल। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन, मच कन्वीनियंट, एनीवन कैन डू। बता दो, हाँ जी हर्षिता, नहीं बता पाए सर, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन करवा देंगे HCHO के साथ। एल्डिहाइड HCHO और बेंज एल्डिहाइड दोनों ही एल्डोल नहीं देते, एल्डोल से कभी भी अल्फा हाइड्रोक्सी नहीं बनेगा बेटा, ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी साइनोहाइड्रिन से बनता है, राइट। आप इसमें HCN KCN कॉम्बिनेशन ले लीजिए, यू विल गेट साइनोहाइड्रिन, और साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी अनन्या,
बताओ नन्या, कुछ बता रहे हो बेटा? मैं यहाँ मैग्नीशियम ईथर लूंगा और उसकी वजह से ये ग्रिगनार्ड बन जाएगा। बस ग्रिगनार्ड बनाने के बाद मुझे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मैं CH3CH लूंगा। राइट, पूरी ऑर्गेनिक में मैंने बार बार फोकस करवाया आपका कि आप पोजीशंस का ध्यान रखें, है ना। आपके पास एक एलडी है, एक मॉलिक्यूल बनाना है अल्कोहल, किसी हैलाइड से बनाना है, कार्बन नंबर इंक्रीज करना है और अल्कोहल की नेचर जो है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाने के लिए ग्रिगनार्ड का रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाया जाता है। हाँ जी आदित्य। इसमें फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन नहीं करा सकते? फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन किस पे होगी बेटा? ब्रोमीन की ऑर्थो पैरा पर होगी। तो आप ब्रोमीन को कैसे रिमूव करोगे? ओके सर, है ना। फ्रिडलक्राफ्ट आपने ठीक सोचा है, मैं एसिटाइल क्लोराइड डाल दूं और उसके बाद रिडक्शन कर दूं तो ये बन जाएगा, लेकिन ब्रोमीन वही रह जाएगा। तो ब्रोमीन को निकालने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इससे पहले 16th है, 16th तो राइट आर्टिकल ही है, उन आर्टिकल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं बताइए। एसिटाइलेशन क्या होती है? एनीवन? तुषार बोलिए। Introducing acetyl group in a compound, there is an increase of 42 mu. Right. Acetylation means reaction of alcohols, amines, or any nucleophilic reagent with acetic anhydride or acetyl chloride. Right. जब आप किसी अल्कोहल का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो जो रिएक्शन वहां ऑब्जर्व होता है उसे एसिटाइलेशन कहते हैं। इन केस ऑफ अल्कोहल दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ ओएच ग्रुप्स एंड देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 42 AMQ। हाँ जी, सेकंड कैनिजरो रिएक्शन। हाँ जी अनन्या। Sir, this is observed in ketones and aldehydes which have zero alpha hydrogen and अच्छा हुआ तैने बोल दिया बेटा, नहीं तो तू कुछ गड़बड़ कर जाता, इसीलिए तेरे से गड़बड़ हो रही थी। Cannizzaro reaction cannot be observed on ketones. Cannizzaro is a disproportionation reaction which is a characteristic property of aldehydes which do not have alpha hydrogen. This reaction is not given by ketones as they do not have reducing hydrogen. Right? Cannizzaro reaction jo hai, wo aldehydes ka reaction hai, ketones ka reaction nahi hai. Aldehydes which do not have alpha hydrogen, they react with concentrated alkali in order to show disproportionation. One molecule is reduced and other molecule is oxidized, right? तो आपके पास कीटोन ये रिएक्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके पास रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं होते। दे कैन बी रिड्यूस बट दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, राइट? ओके सर, ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था। जिस बुक ने मैं पढ़ा उस बुक को किसने रिकमेंड किया था? मैंने तो नहीं किया होगा। सर ये वो वाली है जो आपने एग्जाम से पहले दी थी? वो वाली है, मैंने दी थी। यस सर, ये तो गड़बड़ हो गई थी, एक बुकलेट सी दी थी। सर कल कोई बात नहीं, उसको काट दे वहां पे, ठीक है? ओके सर। तो कैनिजरो रिएक्शन कीटोन्स नहीं देते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। Thanks for giving a feedback so that I can make correction in that book also. Sir, definitions के लिए वो उससे learn किया था तो इसीलिए। ठीक है, ठीक है।
So Cannizzaro reaction is a property of aldehydes which do not have alpha hydrogen. It is a disproportionation reaction where one molecule of aldehyde is reduced and other molecule is oxidized. Third है cross aldol. Cross aldol के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी रिया. So when two different aldehydes don't react together and do aldol. Fine. Aldol condensation reaction is reaction of two different aldehydes and ketones containing alpha hydrogen. दो different aldehyde और ketone जिनके पास alpha hydrogen है वो ये reaction show करते हैं जिसे cross aldol कहते हैं. It always results in the formation of two or more products as they have ability to combine with themselves as well as with other compound. Next reaction is decarboxylation. हाँ जी तुषार. Sir, it is the loss of carboxylic group from carboxylic acid and their salts. Fine. थोड़ा सा और. कार्बन डाइऑक्साइड इज बाय प्रोडक्ट एंड दे गिव एल्केन्स. डीकार्बोक्सिलेशन इज रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स. इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट ऑलवेज हैज वन कार्बन लेस देन स्टार्टिंग कंपाउंड. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. राइट, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सोडा लाइम नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे लिए सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि उस रिएक्शन के रिजल्ट एल्केन मिलते हैं विद वन कार्बन एटम लेस देन स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. राइट, चलिए नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो यहाँ पे रिएक्शन वो लिखे हुए हैं हमने. हमारे पास फर्स्ट में पूछा था बताइए KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा. अल्कलाइन मीडियम था तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन आइसोलेट होगा. सेकंड है SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड. इट रिमूव्स OH ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप एंड वी गेट क्लोराइड्स. थर्ड आपके पास रिएक्शन सेमी कार्बोजाइड का है. आज की क्लास में कम से कम 3-4 बार हम ये कर चुके हैं. तो हमारे पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन मिस भी किया गया नहीं आगे. ओके, वी हैव NaNHCONH2. फोर्थ में आपसे रिएजेंट पूछा है जो बेंजीन को डाइफिनाइल कीटोन में कन्वर्ट करे, दैट इज दिस कंपाउंड एसाइलेशन, जिसको बेंजोइलेशन कहते हैं यहां पर क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड डाला है. नेक्स्ट में पूछा है आपके पास एक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं और ये टॉलेंस रिएजेंट है. जब इसको टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड कीटोन रिमेन एज इट इज. नेक्स्ट में सोडियम साइनाइड विद HCl डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा. आपके पास साइनोहाइड्रिन बन जाएगा. एल्डिहाइड विल गिव अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड. अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस एल्डोल. बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन है. ये रिएक्ट करेंगे और ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगा. नेक्स्ट में आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला है. सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एस्टर, सो एस्टर्स रिमेन एज इट इज, नो इफेक्ट. क्योंकि एस्टर्स को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, कीटोन्स विल बी रिड्यूस्ड. नेक्स्ट में CrO3 डाला है. CrO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट विल ऑक्सीडाइज अल्कोहल्स टू कीटोन्स. सेकेंडरी अल्कोहल थे इसलिए कीटोन मिल गया. टेंथ में आपके पास ये कंपाउंड बनाना है तो रिएजेंट कंडीशन तैयार करनी पड़ेगी.
पहले HBO से प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे, फिर प्राइमरी अल्कोहल से PCC डालकर हम एल्डिहाइड तैयार करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ओजोन से कीटोन बनाना है, तो ओजोन से सेम मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो सेम ही मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहली है साइक्लोहेक्सेनोन React give cyanohydrin in good yield, but 2-6 trimethyl cyclohexanone does not. ये बेटा cyclohexanone का स्ट्रक्चर है और ये 2-6 trimethyl का, ये रिएक्शन दे रहा है, ये रिएक्शन नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें हायर स्टेरिक हिंड्रेंस है। 2-6 trimethyl cyclohexanone has higher steric hindrance, so it cannot give addition reaction. Next में पूछा है, there are two NH2 group in semi-carbazide, however only one is involved because one of them is involved in resonance, so its lone pair is not available. The NH2 group which is attached to carbonyl is involved in resonance, so its lone pair is not available. Next में पूछा है, during preparation of ester from carboxylic acid and alcohol in the presence of acid catalyst, the water or ester should be removed. This reaction is reversible and ester formed may revert back to give carboxylic acid and alcohol. So in order to prevent backward reaction, esters or water must be removed. So, हमने लिखना है this reaction is reversible. If we will not remove ester or water, then acid and alcohol can be regenerated. Next question में empirical formula, molecular formula है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती structure explore करने के लिए क्योंकि sufficient information given है, पर subjective होगा तो दिखाना तो पड़ेगा ही कैसे आया ना। उसने कहा it does not reduce tolerance reagent, तो ये कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये चैप्टर कर रहे हैं इसलिए हम कीटोन बोल रहे हैं, राइट? पर बोर्ड में तो नहीं लिखा होगा ना कि एल्डिहाइड कीटोन से डाला है। बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम कह सकते हैं कि कीटोन है क्योंकि ये एडिशन या तो एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता। उसके इसने कहा इट गिव पॉजिटिव आयडोफॉर्म टेस्ट, तो कंफर्म हो गया कि ये मिथाइल कीटोन है। साथ में कह दिया ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव बेंजोइक इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, तो 100% श्योर हो गया कि यही कंपाउंड होगा, राइट? सो द कंपाउंड अंडर रेफरेंस इज 2 पेंटेनोन बिकॉज इट इज मिथाइल कीटोन and its oxidation following Popoff rule will give mixture of ethanoic acid and propanoic acid, right? Next mein aapke paas hai, although phenoxide ion has more number of resonating structure than carboxylic acids are stronger acid than phenol, so you have to explain stability of charges. In case of phenoxide ion, negative charge is shared between oxygen and benzene, and in carboxylate ion it is resonance stabilized between oxygen atoms. When negative charge is shared between two oxygen atoms, it is more stable. So carboxylic acids are stronger acids, right? So that's all about your chapter aldehyde. So हमने एक तरह से aldehyde भी complete कर लिया।